गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 11th फिजिक्स की हम शुरुआत कर चुके हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार वैज्ञानिक विधि के चरणों की व्याख्या की जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं मापन पर। तो मापन एक ऐसा चीज है जिससे हम चिर परिचित हैं। हम पहले से भी मापन की बहुत सारी प्रक्रियाओं के बारे में जानते आए हैं, तो हमारे दिमाग में एक परिभाषा तो बन गई होगी कि किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाणात्मक मान ज्ञात करने की प्रक्रिया होती है उसी को हम मापन कहते हैं। तो बात अपनी सबसे पहला वर्ड है इसमें भौतिक राशि। तो मापन तो हमारा चलता रहेगा काम, क्योंकि उस पर हमको पूरी तरह से बात करना है। हर विशेष टॉपिक पर हम बात करेंगे, हर सिस्टम पर बात करेंगे, पर एक एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है उसकी भौतिक राशियां। इस पर हम परिचित हो जाएं कि भौतिक राशियां किसे कहा जाता है। तो बात करते हैं भौतिक जगत में। हमको पता है कि रोज कोई ना कोई नई घटनाएं होती हैं, और जिन जो घटनाएं होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए जिन चर तथ्य अथवा पदों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे को कोई कुर्सी हटाना है तो उस समय मैं उस पर बल लगाऊंगा, तो बल जो होगा वो भौतिक राशि की श्रेणी में आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम मुझे कोई कार्य करना है तो कार्य जो है वो भौतिक राशि की श्रेणी में आता है। तो इनको व्यक्त करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के चरों का उपयोग करते हैं। जैसे बल है, बल फोर्स, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। वर्क है, कार्य को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस आधार पे ये कुछ चर होते हैं जिनके माध्यम से, कुछ राशियां होती हैं जिनके माध्यम से हम भौतिक ज्ञात तथ्यों को व्यक्त करते हैं, जिन्हें भौतिक राशियां कहा जाता है। तो अगर मैं मापन के फील्ड में बात करूं तो ये बोला जा सकता है कि ऐसी राशियां जिनका मापन संभव है भौतिक राशियां कहा जा रही है। ये परिभाषा मापन के आधार पर तैयार की जा रही है, क्योंकि भौतिक राशि की जो वास्तविक परिभाषा है वो थोड़ी सी डिफर है, जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया हुआ है। तो यहां पर मापन के आधार पर, मापन के उद्देश्य के आधार पर अगर मैं भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वे भौतिक राशियां या वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक जगत में वे भौतिक राशियां कहलाती है। तो मापन के आधार पर भौतिक राशियों को मुख्यतः दो हिस्सों में बांटा गया है, मूल राशियां व व्युत्पन्न राशियां। देखिए फिजिक्स में मैं हमेशा ये बोलते आया हूँ, हमारे जो नए स्टूडेंट हैं 10th से सीधे आकर 11th में आ रहे हैं एक नए फील्ड की ओर, साइंस की बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो आप ये हमेशा याद रखें कि नेम इज़ द डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड। नाम से ही आप बहुत सारे भौतिक राशियों, भौतिकी के तथ्यों को व्यक्त कर सकते हो। अगर आपको नाम पता है तो उसकी परिभाषा आप बना सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ मूल राशियाँ, मैंने लिखा हुआ है मूल राशियाँ। मूल मतलब रूट, रूट मतलब जड़, जो बेसिक तौर पे शुरुआत स्टार्टिंग जन्म लेती है, मतलब वो एक ही होगा। किसी भी एक पेड़ की जो जड़ होती है वो एक ही होती है, उससे दूसरी जड़ नहीं होती। तो उस आधार पे हम ये बोला जा सकता है कि मूल राशियां मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, वो अद्वितीय होती है, एकल होती है। तो उस आधार पे ये बोला जा सकता है कि वो मूल राशियां कहलाती है। ऐसी भौतिक राशियां जिनका आपस में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, ऐसी राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं तो जैसे लंबाई, लंबाई जो है वो हमारा मूल राशि है। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से किसी भी प्रकार से कोई रिलेशनशिप नहीं रखती। अगर मैं देखूं लंबाई का द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है, द्रव्यमान का समय से कोई संबंध नहीं है, या लंबाई का समय से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, तो ऐसी भौतिक राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। अब बात की जाती है व्युत्पन्न राशियों की। तो नॉर्मल सी बात है, व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न की हुई राशियां, मतलब उत्पन्न होती है ऐसी राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती है, ऐसी भौतिक राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मतलब ये बोला जा सकता है कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों या किसी अन्य राशियों से उत्पन्न होती है, ऐसी भौतिक राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं या मूल राशियों से निकाली जाती है, एज बेस दिस डिपेंड ऑन यू, तो कुछ भी आप उस आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। तो व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न होने वाली, मतलब वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, मूल राशियों से निकाली जाती हैं, ऐसी भौतिक राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जो क्षेत्रफल है वो लंबाई पर निर्भर हो रहा है, चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई ही है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल जो है वो लंबाई, लंबाई जो कि हमारी मूल राशियां हैं, तो व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर निर्भर हो रही है, ये निर्भर होती है। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, या बोला जा सकता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल जो है वो भी व्युत्पन्न राशि है। क्यों व्युत्पन्न राशि इसलिए है क्योंकि वो किस पर डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है, और द्रव्यमान जो है वो हमारा मूल राशि है। वेग बोल सकते हैं आप, वेग, वेग बराबर दूरी या चाल या विस्थापन बटे समय। विस्थापन नॉर्मल सी बात है, तय की गई दूरी या लंबाई हो सकता है, और समय जो कि विस्थापन और समय दोनों मूल राशियां हैं। तो यहाँ डायग्राम से जो एग्जाम्पल से आसानी से हमको समझ में आ जा रहा होगा कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, मूल राशियों से निकाली जाती हैं, ऐसी भौतिक राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, जबकि मूल राशियां जो होती हैं वे राशियां होती हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, वो किसी पर डिपेंड नहीं होती। तो इस आधार पर लगभग ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि मूल राशियां क्या है और व्युत्पन्न राशियां क्या है। तो अब बात आती है राशियां हैं तो उनका मात्रक भी होगा। तो मात्रक क्या होता है, तो वास्तव में भौतिक राशि के मापन के लिए जो इकाई प्रयुक्त की जाती है, जैसे भौतिक राशियां है तो इसके आधार पे हम मात्रक की परिभाषा तैयार कर सकते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा हमारा कि वे भौतिक राशि मतलब किसी भी भौतिक राशि का मापन करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं। मतलब वह इकाई जो किसी भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त की जाती है, उसको मापने के लिए यूज की जाती है, ऐसी इकाई को हम कह सकते हैं मात्रक। तो चूंकि हमारे पास राशियां भी भौतिक राशियां भी दो प्रकार की होती हैं, उस आधार पर ये बोल सकते हैं कि मात्रक भी हमारे पास दो प्रकार के होंगे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसका एक डेफिनेशन, मूल मात्रक का डेफिनेशन ये बना सकते हैं कि मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है, या वे मात्रक जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ऐसे मात्रकों को मूल मात्रक कहा जा सकता है। एज इट इज आप डेफिनेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो मूल मात्रक मतलब वे मात्रक या मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है, एक परिभाषा बनेगी। या दूसरा परिभाषा ये बना सकते हैं कि ऐसे मात्रक जो एक दूसरे पर निर्भर न करते हों, ऐसे मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, जैसे लंबाई का जो मात्रक है, लंबाई को जो हम मापते हैं, जो हमारी मुख्य इकाई है वो मीटर होती है, तो लंबाई का मूल इकाई मीटर, द्रव्यमान का मूल इकाई किलोग्राम, और समय का मूल इकाई जो होता है वो सेकेंड होता है। तो ये आधार पे हमारे जो मूल मात्रक होंगे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड इत्यादि लिखे जा सकते हैं, ये आपस में किसी भी प्रकार से रिलेटेड नहीं होते, तो ऐसे मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। दूसरा जो होता है व्युत्पन्न मात्रक, तो नॉर्मल सी बात है ये बोला जा सकता है कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, या वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लंबाई का अगर हम देखें तो मीटर, और चौड़ाई का भी मीटर होता है, तो मीटर का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर जो है वो व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में आ जाएगा। बल, बल का जो होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम, और त्वरण का मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो ये बोला जा सकता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, या इसी को हम न्यूटन भविष्य में स्टडी करेंगे, न्यूटन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बल का जो मात्रक है उसकी व्याख्या जो है वो न्यूटन के द्वारा की गई थी, उसके आधार पे उसका मात्रक न्यूटन माना जाता है। तो बल का मात्रक इकाई हम न्यूटन बोल सकते हैं, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसी आधार पर वेग, वेग का जो विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड, तो वेग का जो हमारा मात्रक हो जाएगा वो मीटर प्रति सेकंड। तो ये मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, ये सभी जो मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि जो व्युत्पन्न मात्रक है वो कहीं ना कहीं मूल मात्रकों पर निर्भर है। मीटर की मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर और सेकंड पर निर्भर है, मीटर और सेकंड हमारा मूल मात्रक है। तो इस आधार पर व्युत्पन्न मात्रकों को परिभाषित किया जा सकता है। तो इस सेक्शन में हमारे पास दो क्वेश्चन बनकर सामने आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा हमारा कि भौतिक राशियां क्या है, इनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन हमारा बनकर सामने आएगा मात्रक क्या है, इनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो इसको इस
एजीटीज क्वेश्चन बना के आप नोट कर लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे आगे के सेक्शन की ओर।